नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम उदयपुर सिटी पैलेस के पास पालीवाल की कचौड़ी खाने के लिए आए हैं। सामने दिख रहा है ना आपको पालीवाल रेस्टोरेंट, ये कचौड़ी के लिए बहुत शॉप फेमस है। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, उन लोग बोला यहाँ जाके आप कचौड़ी टेस्ट करो, मज़ा आएगा। भैया हमारे को आप एक कचौड़ी दे दीजिए। चटनी आप हल्की रखिएगा, गरम है एकदम। बस बस बहुत है। बड़ी क्रिस्प कचौड़ी है, बेहतरीन। मेन जो इसमें गेम है ना पूरी, वो है अंदर की स्टफिंग की। तो ये स्टफिंग में जो मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, तेजा मसाला, तेजा कचौड़ी में हल्की सी मिर्च हायर साइड पे है। मूंग दाल का ना हमको साथ में प्रॉपर स्वाद आ रहा है, वैसे महसूस हो रहा है कि हम दाल वाली कचौड़ी खा रहे हैं। तो कचौड़ी के टाइमिंग्स क्या है यहाँ पर? ये सवेरे 7:30 से लेके 2 बजे तक, 2 बजे तक मिलती है जी। मज़ा आ गया, दिन की शुरुआत बहुत शानदार हुई है। अब हमारा प्लान ये है, यहाँ से नज़दीक में एक मिठाई की दुकान है, वहाँ चलकर हम कुछ मीठा खाएंगे, फिर हमें रायता जाना है जो 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, फिर वापस आकर घूमेंगे। ऐसे हमारे दिन भर की एक बढ़िया सी आइटनरी बनी हुई है, वो आज हमको फॉलो करनी है। माइंड में है कि शाम तक हम उदयपुर अच्छे से घूम लें। भैया चले। अभी हम सूरज पोल के पास एक मिठाई की दुकान पे आए हैं, इनका नाम है त्रिवेदी उपहार गृह। बगल में लिखा है ना, सिंस 1947 के आज़ादी के समय से हमारी ये दुकान है। वेरी गुड। और उस समय से हम देसी घी की जलेबी बना रहे हैं यहाँ पर। हाँ, मुझे बोला कि आपकी जलेबी बहुत फेमस है, और लड्डू कौन सा फेमस है दिखाइए जरा। ये हमारे ये दाल के लड्डू। ये किसके, उड़द के बन रहे हैं लड्डू? हाँ भैया, आप मेरे को एक लड्डू दे दीजिए, और भाई साहब कम से कम जलेबी आप दे दीजिए। दूध का दूध कहाँ है? गर्म दूध है। चलो मुझे फिर आप आधा, मुझे फिर आप थोड़ा सा दूध भी दे दो गर्म। दूध में चीनी मत डालना। वेरी गुड। पहले लड्डू टेस्ट करेंगे। उफ कितना सॉफ्ट है ना। बहुत डिफरेंट स्वाद है, एक बार तो एक्सपीरियंस और टेस्ट करना चाहिए। अगर आपको कोई ना बताए ना कि उड़द दाल का लड्डू है, तो मुश्किल है समझ पाना कि उड़द दाल का लड्डू है। अल्ट्रा सॉफ्ट है, और ये लड्डू इस दुकान की स्पेशलिटी है। मेन ये आइटम सर्दियों की है, गर्मियों में नहीं मिलेगी। टूरिस्ट तो यहाँ ना के बराबर ही आते हैं, लोकल्स बहुत आते हैं जिनको इस दुकान के बारे में मालूम है, क्योंकि लोकल्स को पता है ये पुरानी दुकान है और अच्छी क्वालिटी की स्वीट्स यहाँ मिलती हैं। जलेबी टेस्ट करते हैं, पतली जलेबी है ये। अच्छा हो गया वैसे, अपने घर पे ना शाम के समय कभी हम लोग जलेबी लाते हैं ना, तो बची हुई जलेबी मैं रात को गर्म दूध के साथ मिक्स करके खा लेता हूँ, बड़ा स्वाद आता है। धमाल हो गया, कमाल ही हो गया। घी का जो स्वाद आ रहा है ना जलेबी में, मिठास कम है, क्रिस्पीनेस बहुत ज़्यादा है, घी का बड़ा खूबसूरत स्वाद है, और थोड़ी थोड़ी जलेबी खाओ और साथ में दूध पियो, बेहतरीन। उदयपुर से अभी हमने लगभग 15 किलोमीटर का सफ़र किया है। रायता के रास्ते में मुकेश भाई हमारे साथ हैं, इनके साथ हम टैक्सी में ये सफ़र कर रहे हैं, तो आज दिन भर आप हमारे साथ ही रहेंगे। देखो अभी 10 किलोमीटर रायता दूर है, हमने गाड़ी रोकी है व्यू देखने के लिए। कहीं भी देख लो, अच्छा लग रहा है, पहाड़ों के ऊपर कितनी सारी ग्रीनरी है, और ये रोड पर ट्रैफिक बहुत हल्का ट्रैफिक है, कोई आधा मिनट एक मिनट में कोई स्कूटर मोटरसाइकिल पास होती है। नाइस। थोड़ा मुकेश भाई हल्का सा वॉक करें 100 मीटर, फिर वापस आते हैं। अच्छा अभी रास्ते में आते हुए मैं देख रहा था
कम से कम 12 से 15 रिजॉर्ट्स मैंने देखे हैं इसी रोड पे, तो इसको देख के लग रहा है कि प्रॉपर्टीज यहाँ बन रही हैं। अब लोग बाग उदयपुर के आउटस्कर्ट्स में रुकना रहना पसंद करते हैं। यहाँ ताज की भी कोई प्रॉपर्टी है ना? ताज की है ना सर, यहाँ से पास में ही है। क्या नाम है? ताज अरावली। अरावली पेड़ देख रहे सर, ये के जमाने में खाना खाने के काम आते थे। अच्छा, ये वाले पेड़? ये वाले पेड़ उसका पत्ती बड़ा होगा क्या? पत्ते ये बड़े होते हैं, इसको खाकरा बोलते हैं। तो इसका ऐसे ऐसे बना के दूना बनाते हैं और पत्तल बनाते थे, उसमें बैठ के खाना खाते थे। जीवन वगैरह शादी वादी में सब यही यूज होता था। अब तो क्या आर्टिफिशियल बनने लगी है ये, नेचुरल है। तो ये पत्ते आदिवासी लोग सिटी में ले जाते थे, बेचते थे और सिटी में घर घर में ये पत्तों का ये काम होता था। देखो रायता हम पहुंच चुके हैं, 5-7 गाड़ियां ऑलरेडी यहाँ खड़ी हैं। यहाँ पर ना कोई रहता नहीं है, कोई गांव नहीं है। इधर सिस्टम क्या है कि 2 घर होंगे 1 किलोमीटर बाद, फिर 2 घर होंगे और 3 किलोमीटर बाद, इस प्रकार से है। और मुझे मुकेश भाई जो हमारे गाड़ी के ड्राइवर हैं, उन्होंने बताया कि ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ना, वो प्री वेडिंग शूट के हिसाब से आ रहे हैं। जैसे सामने दिखाई दे ही रहे ना, सही है। अभी यहाँ से जाएंगे ऊपर। नाना करते भी उदयपुर और यहाँ का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, मुझे लगता है 4 डिग्री तो कन्फर्म होगा। पहले मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने देखा ना रास्ते में कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी, मुझे लग रहा शायद रायता कोई जाता ही नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ के देख रहा हूँ, आपको दूर से दिखाया मैंने ये प्री वेडिंग शूट, और वहाँ पर कुछ एक गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हैं ना, देखो सामने, सारे मेरे को लोकल ज़्यादा लग रहे हैं, टूरिस्ट तो नहीं लग रहे। चलो बढ़िया, थोड़ा टहलते हैं यहाँ पर, आधा घंटा तक यहाँ समय बिताएंगे, थोड़े व्यूज़ अच्छे से देखेंगे। मेन अट्रैक्शन जो है ना ये इस जगह की, वो है हरियाली। अरावली हिल्स के ऊपर ही आप खड़े हो और चारों तरफ आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ पर ऊपर खड़े हो जाओ तो और अच्छे से दिखाई देगा। नॉर्मली क्या है, उदयपुर सिटी लोग आते हैं ना, उनको ज़्यादा रायता के बारे में पता नहीं है। लेकिन अगर कोई आना चाहे तो बहुत नज़दीक है, 45 मिनट्स लगते हैं उदयपुर से यहाँ पहुँचने में, आधा एक घंटा यहाँ बिताओ और आपका हाफ डे में एक अच्छी आउटिंग हो जाएगी। लवली। मतलब आपको इस 1-2 किलोमीटर के दायरे में जहाँ पर मन करे वहाँ पर आप बैठ जाओ और नेचर को एंजॉय करो। अति सुंदर, ब्यूटीफुल प्लेस। चलो अब आधा घंटा हो गया, हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे छोटा सा एक ढाबा बना हुआ है, कुछ लोग बाग यहाँ पर चाय पी रहे हैं, और एक क्राउड देख लो आप, अंदाज़ा लग जाएगा इस समय सुबह 11 बजे यहाँ पर कितने लोग हैं। चलो चलेंगे, अब हम यहाँ से चल रहे हैं, और आज हम अर्ली लंच करने का सोच रहे हैं। 45 मिनट्स या 1 आवर में उदयपुर पहुँच जाएंगे धीरे धीरे, और चलकर कुछ राजस्थानी फूड आज लंच में एक्सप्लोर करेंगे। उदयपुर में आरके मॉल के बगल में ना ट्रेडिशनल खाना करके रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम राजस्थानी थाली खाने के लिए आए हैं। इन्होंने ना रोज़ वाटर का एक वेलकम ड्रिंक तो ऑलरेडी दे दिया। ये मेन्यू है जो आइटम्स राजस्थानी थाली में रहती हैं। सही है, थोड़ा थोड़ा चटनी सारी दे दो, बहुत थोड़ा थोड़ा। सौंठ, पुदीना, अमचूर और लहसुन की चटनी। आप लोग का ये सिस्टम सही है, मीठा पहले दे देते हो है? मीठे से शुरुआत करते हैं, तो हम मीठा पहले खा लें। देखो यहाँ पे सिस्टम ये है, नॉर्मली क्या होता है कि हम रेस्टोरेंट में या कहीं ढाबे में थाली खाते हैं ना, तो सब कुछ एक साथ आ जाता है। यहाँ ये लोग टुकड़ों में देते हैं, जैसे आप थोड़ा सा पहले ये लीजिए, 5-7 मिनट लगा के जब फिनिश करोगे तो नेक्स्ट आइटम आ जाएगी। सही है, मूंग की पकौड़ी। नॉर्थ इंडिया में जो कड़ी होती है ना, उसका टेक्सचर अलग होता है। राजस्थानी कड़ी में ना ये लोग हल्दी,
नहीं इस्तेमाल करते गट्टे। अच्छा क्विकली बता देता हूँ हम खाने में क्या क्या खा रहे हैं। स्वीट्स तो मैंने पहले ही फिनिश कर ली। ये चार किस्म की चटनी है, केर सांगरी, मिर्ची का तिपोरा ऐसा कुछ नाम है इसका, छाछ, दाल, चक्की की सब्ज़ी, कड़ी। ये इन्होंने बताया कड़ी को बनाने में 8 घंटे लगते हैं। गट्टे की सब्ज़ी, ये मसालेदार है, इसको गोविंद गट्टे करके नाम है। और ये चना दाल। वैसे राजस्थानी फूड जब सर्व करते हैं ना तो उसमें स्पून नहीं रहता, तो मैंने अलग से मंगवा लिया, थोड़ा मेरे लिए आसान रहेगा। ये देखो जकोलमा पूड़ी है, इसके बारे में मैं पिछले 3 दिन से सुन रहा हूँ काफ़ी लोगों से कि आप जकोलमा पूड़ी टेस्ट करना, तो हमें फाइनली यहाँ मिली। क्योंकि ये आसान नहीं है, इसको बनाने की ना टेक्निक होती है, मैं फूड फिनिश करने के बाद वो समझूंगा कैसे तैयार करते हैं। बेहतरीन टेस्ट है। आज से पहले मैंने कभी भी जकोलमा पूड़ी नहीं खाई, सिर्फ नाम सुना था, वो भी यहाँ पे आने के बाद। व्हाट अ लवली कॉम्बिनेशन दाल के साथ, हल्के हल्के हींग का फ्लेवर, बहुत मस्त है, अति सुंदर, बहुत सॉफ्ट है गट्टे। अभी से पहले मैंने ना जो गट्टे की सब्जी टेस्ट की थी ना वो मसालेदार नहीं थी, ये मसालेदार है। वो गट्टे ना बेसन से बनते हैं। जो कोलमा पूड़ी अपने आप में बड़ी स्वादिष्ट है, इसका जो टेस्ट है ना तीनों अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, सेक के साथ मैंने ट्राई किया, चटनी के साथ, दाल, गट्टे का सब्जी के साथ और कड़ी के साथ, तीनों के साथ ऑसम टेस्ट है। आप राजस्थान में ट्रैवल कर रहे हो और आपने राजस्थानी कड़ी टेस्ट नहीं करी तो समझ लेना आपका फूड टूर अधूरा है। पिछले 4 दिन में ना मैंने जगह जगह कड़ी को टेस्ट किया है। हर किसी का बनाने का तरीका अलग है, तो ये चीज़ यहाँ पर टेस्ट एकदम अलग है। छोटा छोटा पीस दीजिए मेरे को, या तो हाफ कर दो। अच्छा नहीं ठीक है, चक्की की सब्ज़ी है मेरे को आप और दे दो, कड़ी भी और दे दो। देखो पहले मैंने ना एक दो जगह बाटी खाई तो मैंने क्या किया उसको ना ऐसा हाथ से बारीक नहीं किया, तो बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ बाटी को ऐसा बारीक करने से फ़ायदा ये है घी का स्वाद अच्छा जाएगा, बाकी दाल का मज़ा बाटी के साथ तभी आएगा जब ये बारीक हो जाएगी। घी मेरे को भैया ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत कम घी, बस 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 और नहीं चाहिए। का कॉम्बिनेशन है आपको कड़ी को छोड़ के थोड़ी थोड़ी सब्जी सारी मिला देनी है इसके अंदर। अच्छा पहले हम केवल दाल से ट्राई करेंगे। ये होती है हुकुम हमारे यहाँ की एक बाटी। तो आप लोग इतनी बड़ी बाटी क्यों बना रहे हो, सब लोग तो छोटा बाटी बनाता है। ये हुकुम ऑथेंटिक जो पहले जमाने में बाटियाँ बनती थी सेम ऐसी बनती थी। अच्छा पूरा परिवार फिर उसको जी पूरा परिवार एक साथ बैठ के पीसेस करके खा लेते थे। इतनी बड़ी बाटी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी, सोचो ना इतनी बड़ी बाटी। चाहिए पंचकोटा, ये ना जैसलमेर जब आप ट्रैवल करोगे ना जोधपुर में भी ये बहुत पॉपुलर है। क्या बोल रहे, पकौड़े की खिचड़ी। वैसे टेक्सचर से खिचड़ी लग नहीं रही, राइस ही है, लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन कड़ी के साथ है ना सुपर है, मस्त है। अच्छा बाजरे का क्या बोलते हो, खिचड़ा, बाजरे का खिचड़ा, खिचड़ी खिचड़ा क्या डिफरेंस है मुझे नहीं पता। और चीनी बूरा और साथ में घी। अच्छा गए बेहतरीन। अभी तक मैंने जो जो खाया ना जो चीज़ मेरे को सुपर स्वाद लगी है वो है बाजरे का खिचड़ा, चक्की की सब्ज़ी, कड़ी और ये चने की दाल। ये तो मेरे को बहुत मस्त लगी है। गदर सब कुछ फिनिश कर लिया मैंने। अच्छा हम इनके किचन में ना देखने आए हैं जकोलमा पूड़ी कैसे तैयार करते हैं। ये जकोलमा पूड़ी है और गेहूं के आटे की बनती है। गेहूं के आटे की और इसमें हल्दी और नमक और आटा ही और कुछ नहीं है, और हाथ से बनाई जाती है, मेवाड़ की पूड़ी है।
अच्छा, तो ये इस्तेमाल होगा, ये पानी से गूंदा गया। तो देखिए हम कैसे बना रहे हो। सुना इसको बनाना बड़ी कला है, हर कोई नहीं बना सकता। अच्छा भैया, धन्यवाद। जहां पर हमने लंच किया वहां से 4 किलोमीटर का सफर करके हम आइनॉक्स के पास जे हेल्दी टाइम पहुंच गए हैं। तो हम यहां पर ना जूस पीने आए हैं, तो भैया ने बोला कि आप तूफानी टेस्ट करो। तो ये देखो तूफानी इन्होंने बना दिया। मैं बनते हुए देख रहा था, ऑरेंज, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक ग्रेप्स, थोड़ा सा एप्पल जूस, ये सब मिला जुला के जूस तैयार किया। और ये जो फ्रूट्स है ना, ये सीजनल फ्रूट्स नहीं है, फ्रोजन फ्रूट्स हैं जिनको यूज़ किया गया है। भैया बोल रहे हैं विदाउट शुगर विदाउट आइस। चलो बढ़िया। तो भैया आप लोग कितने साल से यहाँ पे जूसेस बना रहे हैं? 2 साल हो गए। कंजू मैम हमारी एक वॉल सिटी में शॉप है, वो 50 साल पूरा है। तो वहाँ पर भी ऐसे जूस मिलता है? स्वाद तो मजेदार है। तो ये खट्टा खट्टा में क्यों लग रहा है? खट्टा कीवी की वजह से। कीवी और ऑरेंज भी? ऑरेंज और कीवी खट्टा लगता है, ब्लैक ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी मीठ है, उसको स्वीट पर शुगर भी नहीं है। आइस और शुगर नहीं है तो टेस्ट नेचुरल है। नेचुरल स्वीट है और हेल्दी प्रोपोर्शन। हां, टोटल सारा विदाउट शुगर बनता है, जस्ट जीरो वैरायटी। सब कुछ विदाउट शुगर है। सही है, कुल मिला के टेस्ट मजेदार है, इंटरेस्टिंग। सज्जनगढ़ फोर्ट जाने के लिए हम एंट्री गेट तक पहुंचे, वहां से हमने टिकट निकलवाई 100 रुपीज पर पर्सन और गाड़ी की टिकट 305 रुपये। 15-1 मिनट का टाइम लगा हमको क्योंकि भीड़ थी और बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। अब देखो हम अंदर आ गए हैं, यहाँ से हमको सीधा जाना है पहाड़ के ऊपर तक। तो ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र है, फिर हम फोर्ट तक पहुंच जाएंगे। अच्छा लग रहा है, मतलब ग्रीनरी तो देखो है ही। सज्जनगढ़ फोर्ट के हम ऊपर तक आ चुके हैं, काफ़ी बड़ी ये पार्किंग स्पेस है। सुपर, क्या बात है। हमारे को यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को फतेह सागर लेक दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा क्लियर व्यू नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा समझ में आ रहा है फतेह सागर लेक का व्यू। और यहाँ पर पिछोला लेक, पिछोला लेक एकदम विजिबिलिटी क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। जब एरोप्लेन नीचे आ रहा होता है कैसे दिखता है ना, वैसी फीलिंग यहाँ पर खड़े होकर हो रही है। काफ़ी टूरिस्ट आज, संडे है, ये भी रीज़न है। संडे को वैसे भी उदयपुर में टूरिस्ट डबल हो जाते हैं, ऐसा मुझे बहुत लोगों ने बोला। आओ ऊपर चलेंगे पैलेस को। अभी हम ना पैलेस के अंदर आ चुके हैं। ये भी देखो सोचने की बात है, पुराने जमाने में राजा महाराजा महाराणा लोग कैसे रहा करते थे। अब देखो पहाड़ के ऊपर कहां पर, आज हमको 5 किलोमीटर लग रहे हैं गाड़ी में पहुंचने में एंट्री गेट से। कैसे आते होंगे यहां पर, ऑब्वियसली घोड़े में या बग्गी में ही आते होंगे। और कितनी खुली जगह है, मतलब फीलिंग यहाँ पर आके जो आ रही है ना। थोड़ी देर पहले मेरे को सिर्फ वो साइड सिटी की दिख रही थी, अब उदयपुर सिटी का ये साइड भी, मतलब दूर दूर तक पूरा शहर दिखाई दे रहा है। सामने एकदम पिछोला लेक है और ये है फतेह सागर लेक। लवली। कुछ देर पहले हम वहाँ पे खड़े थे, देखो लोग हैं ना नीचे गार्डन के पास खड़े हैं, हाइट पे आगे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल गया।
लवली। देखिए पैलेस के अंदर जैसे हम आए हैं ना, मैं आपको ऐसी जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पर जिस समय महाराणा सज्जन सिंह जी का समय था, उस समय यहाँ पर ना फुवारे चला करते थे, फाउंटेन्स ऐसे ऐसे। मैंने नीचे वहां पर खड़े होके जो व्यू देखा है ना, वो यहां से बेटर है। इधर क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, वहां अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू आता है पिछोला लेक का भी और फतेह सागर का भी। और सिटी तो बार बार मैं देख रहा हूँ कितनी अच्छी लग रही है ना, हाइट से देखने में अच्छा लग रहा है। बाकी शहर तो जैसा दिखता है वैसा ही दिख रहा है। और सबसे पता मेन बात क्या है, बगल में जो अरावली हिल्स का व्यू है ना, ये तो गजब लग रहा है। हर तरफ अरावली हिल्स है चारों तरफ। उस तरफ को देखते हैं क्या है। ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे थे ना, तो इतना क्राउड देख के मेरे को लगा कि नीचे कुछ खास ही बात है, हमें नीचे चल के देखना चाहिए कि नीचे से कैसा व्यू आता है। ये जगह भी बहुत मस्त है, थोड़ा उधर चलते हैं, वहाँ भीड़ कम है। मेरे को ना काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि शाम के समय आप सज्जनगढ़ फोर्ट जाना, तब आपको व्यू ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि दोपहर में एक दो बजे ना धूप होगी तो मज़ा नहीं आएगा। इस समय अच्छा लग रहा है, या तो अर्ली मॉर्निंग आ जाओ या शाम को आ जाओ, सही है। अब देखो 6 बजे का टाइम है, यहाँ पर आए हुए हमें ऑलमोस्ट 45 मिनट से ऊपर का टाइम हो गया, अच्छा समय हमने यहाँ पे बिताया। अब हम यहाँ से चल रहे हैं गंगोर घाट और उसके बाद बागोर की हवेली। 7 से 8 बागोर की हवेली में ना कल्चर प्रोग्राम होता है, तो वो मैं मिस नहीं करना चाहता। और 15-20 मिनट पहले पहुँचेंगे तो अच्छी बात है, और यहाँ से हमें नीचे पहुँचने में इतना आधा घंटा 20-25 मिनट तो लग ही जाएगा, आधा घंटा लेके चलो। वैसे मन तो हो रहा है थोड़ा आधा रुक जाएं, और अगर सनसेट होता तो मैं थोड़ा रुक जाता पक्का, लेकिन अभी क्या थोड़ी देर में विजिबिलिटी डाउन हो जाएगी तो व्यूज़ दिखने हो जाएंगे बंद। सही है, गुड। चांदपोल तक तो अपनी गाड़ी में आ गए, वहां से पैदल चलते चलते यहाँ तक आ गए हैं। सही लग रहा है ना, आज हम टाइम पे आ गए, कल अंधेरा हो गया था यहाँ आते आते। अब देखो वो जगह ना फोटोग्राफी पॉइंट है, अगर आप उस साइड से इस साइड आओ, वहाँ बीच में सेंटर पे खड़े होकर फोटोग्राफी करो, बड़ा मस्त लगता है। हालांकि मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे को यहीं से खड़े होकर देख के लग रहा है पॉइंट बहुत अल्टीमेट है। लो जी हम गंगोर घाट पहुंच चुके हैं। बढ़िया से स्टेप्स बने हुए हैं, शाम के समय घंटा दो घंटा बढ़िया टाइम पास करो। अच्छा इधर भी तो देखो पूरा बहुत लोग बैठे हैं यहाँ तो, लवली। वो शांति का मैं अनुभव होता है यहाँ पर आके, मतलब क्या बोलते हैं ना, घाट किनारे कहीं पे भी बैठ जाओ, चाहे यहाँ बैठ जाओ ऋषिकेश में हरिद्वार में, शांति अनुभव होती है आपको, महसूस होता है कि आप बहुत शांत से वातावरण में बैठे हो। मैंने आपको बताया था ना हम बागोर की हवेली में शाम को कल्चरल प्रोग्राम देखने जाना चाहते हैं, तो अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 100 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। अब ये देखो एंट्री गेट है, इसका नाम है धरोहर, सही। मेरी मुलाकात मैम से हुई है, मैम और इनके हस्बैंड पूरे शो को ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे कल्चरल शो होता है ना, मैम सॉरी धरोहर शो राइट वर्ड है। मुझे ना मैम काफ़ी लोगों ने बोला था जो हमारे चैनल सब्सक्राइबर्स हैं कि ये शो आप मिस मत करना, क्योंकि सबको बहुत पसंद आया, जिन जो जो लोग देख कर गए,
तो कब से आप रन कर रहे हैं प्रोग्राम? 22 साल हो गए सर। अच्छा, 22 साल से रेगुलर शो होता है। अच्छा, तो ये सातों दिन होता है? हाँ, पूरा 365 दिन में सिर्फ एक दिन नहीं होता है दूरे लेके दिन, उसके अलावा। और टाइम दिन में एक ही बार, 7 से 8। धन्यवाद, अभी हम लोग चल के शो देखते हैं। बागोर की हवेली पे अभी हमने जो 1 घंटे का प्रोग्राम देखा है ना, धरोहर, मुझे बेहद पसंद आया, तो मैंने आपको उसके ग्लिम्स दिखाए। 2-3 जो मेरी टॉप ऑब्जर्वेशंस हैं, एनर्जी लेवल परफॉर्मर्स का और ऑडियंस का दोनों पीक पे था। वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, राजस्थान के हर रीजन से कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस जिससे कि आप रिलेट भी कर सकते हो और आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आके जो मैम इस प्रोग्राम को रन करती है, उनसे मैंने बात करी कि आपको एक शो ड्यूरिंग द डे भी करना चाहिए या आप में भी शाम को 8 से 9। तो उन्होंने बोला ड्यूरिंग द डे हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, सिटी पैलेस के पास समोहर करके है, वहाँ पर 2 या 3 शो ड्यूरिंग द डे करते हैं। मेरे पास पूरी डिटेल्स नहीं है, वो मैं चेक करके ऑनलाइन मेंशन कर दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा। बट कुल मिला के प्रोग्राम भी अच्छा रहा और आज का दिन भी हमारा काफ़ी अच्छा रहा। इस समय ऑलमोस्ट 8:20 का टाइम है शाम का। हमारा होटल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, कितना होगा, 1.5 किलोमीटर। तो हम लोग होटल चले जाएंगे और आज हमारा उदयपुर में 2nd डे है, कल 3rd डे है, उसके बाद हम आगे कुंभलगढ़ साइड जाने वाले हैं। जैसे जैसे आगे जर्नी करेंगे मैं आपको उस जगह के बारे में बताता रहूँगा। आज का दिन अच्छा रहा, गोज विदाउट सेइंग, राइट। अभी मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ, थैंक्स फॉर योर टाइम। एक बात है, उदयपुर घूमते हुए हमें ना 3 दिन हो गए हैं, आज हमारा 3rd डे है। जो मज़ा इवनिंग बोट राइड का है ना, ये अनपैरेलल है।